हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था, एक ऐसा सेक्टर आज मैं लेके आया हूँ जो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बुलिश स्टैंस रखता है मेरी तरफ से। जी हाँ, एक ऐसा सेक्टर जिसको आपको अच्छे से जानना समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सेक्टर लॉन्ग टर्म में एक आउट परफॉर्मर होगा और इस सेक्टर की ग्रोथ इंडिया की ग्रोथ से डायरेक्ट लिंक्ड है। अगर ये सेक्टर बढ़ेगा तो इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जी हाँ, तो आज मैं जिस सेक्टर की बात करने जा रहा हूँ वो है डिफेंस सेक्टर। जी हाँ, डिफेंस सेक्टर। और इस सेक्टर के अंदर मैं क्यों बुलिश हूँ, इस सेक्टर के ऊपर मैंने मेरे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने सर्च करे हैं, मेरी रिसर्च क्या है, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ इंडिया के डिफेंस सेक्टर की, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर में बजट कितना है। जी हाँ, इंडिया डिफेंस सेक्टर पे अपना हर साल का जो बजट पेश कर रहा है वो बजट कितना है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक सुपर पावर हैं और जो डिफेंस की सुपर पावर्स हैं उनके साथ हम कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो इस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का जो बजट पार्लियामेंट में अनाउंस किया गया था, दैट वॉज 70.6 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 70.6 बिलियन डॉलर का हमारा ये डिफेंस का बजट अनाउंस किया गया था। अगर हम इसको कंपेयर करें चाइना के साथ, जो हमारा एक नेबर भी है और साथ ही साथ हमें आंखें भी दिखा रहा है, हमारा एक राइवल भी है, तो उसका जो डिफेंस बजट था वो था 261 बिलियन डॉलर्स का। तो उनका डिफेंस बजट हमसे ऑलमोस्ट चार टाइम है, 3.5-4 गुना हमसे ज़्यादा उनका डिफेंस बजट है। और अगर मैं इसी बजट को कंपेयर करूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि इकोनॉमिक सुपर पावर है, वर्ल्ड सुपर पावर है, तो उनका डिफेंस बजट इज 732 बिलियन डॉलर, 732 बिलियन डॉलर का उनका डिफेंस बजट है। अब आप एक चीज़ देखिए, हम कहीं भी इनके बजट्स के सामने स्टैंड नहीं करते हैं, ठीक है। 732 बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट हमसे कम 10 गुना बड़ा इनका डिफेंस बजट है, चाइना का ऑलमोस्ट 3.5-4 गुना हमसे बड़ा डिफेंस बजट है, तो हम इनके सामने कहाँ स्टैंड करते हैं, हम इनके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करते डिफेंस बजट में। बट हमने अपनी कुछ ऐसी एग्रेसिव डिफेंस पॉलिसीज बनाई हैं लास्ट कुछ टाइम में, जिसकी वजह से हम अपना डिफेंस बजट बढ़ाने के अलावा भी जो हम पहले नहीं काम करते थे हम वो कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम फ्यूचर में काफ़ी अच्छा डिफेंस का मार्केट एक्वायर कर लेंगे अक्रॉस द ग्लोब। इस समय अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान सऊदी अरेबिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस का इम्पोर्टर है। जी हाँ, सऊदी अरेबिया जो अपने डिफेंस इक्विपमेंट इम्पोर्ट करता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ज़्यादा डिफेंस का कोई इक्विपमेंट नहीं बनाता है, हिंदुस्तान तो फिर भी कुछ बनाता है लेकिन सऊदी अरेबिया कुछ भी नहीं बनाता है ज़्यादा, और उसके बाद हम वर्ल्ड में सेकेंड इम्पोर्टर हैं। अगर दुनिया में अगर 100 इक्विपमेंट को इम्पोर्ट करा जाता है तो उसमें से 10% हम इम्पोर्ट करते हैं। जी, 10% इम्पोर्ट हिंदुस्तान करता है वर्ल्ड के आर्म्स एंड एम्यूनेशंस और इक्विपमेंट्स का और टेक्नोलॉजी का जो डिफेंस से रिलेटेड है। तो हर एक पैरामीटर पर इंडिया जो है एक नेट इम्पोर्टर है। तो अब ऐसा क्या है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं इस पर बहुत बुलिश हूँ, उसका मैं आपको रीज़न एक एक करके आपके सामने रखता हूँ और आप इस चीज़ को समझिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हमारी एक पॉलिसी आई थी ईयर 2018 में, जिसका नाम था डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी। जी, डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ टारगेट्स बनाए थे और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए थे। अब वो टारगेट्स क्या थे, हम पहले वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहला टारगेट था दुनिया की टॉप 5 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमीज में आना जो डिफेंस की हों। जी, दुनिया में 5 ऐसी ग्लोबल इकोनॉमीज जो डिफेंस का सामान बनाती हों उसमें आना हमारी एक प्रायोरिटी है, जो इस पॉलिसी के अंदर लिखा है गवर्नमेंट ने, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमें आना है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और हमारा एनुअल एक्सपोर्ट टारगेट 2025 तक का है 5 बिलियन डॉलर्स का। जी हाँ, 5 बिलियन डॉलर्स का हम चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करें साल 2025 तक, सो दैट हम टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमीज में आ पाए जो डिफेंस के इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चर करते हैं। सेकंड, अब मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, प्रॉपरली फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड है। अब आप इसको देखिएगा कि गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम करा है यहाँ पे।
आपको ये समझ आ जाएगा कि जो ये चीज इन्होंने लिखी है वो एक्चुअली ये लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। साल 2015 और 16 का मैं एक डेटा आपके सामने रखता हूँ कि उस साल पे हम एक्सपोर्ट कितना करते थे। साल 2015-16 में हमारे एक्सपोर्ट थे 2059 करोड़ के। जी हाँ, 2059 करोड़ के हमारे एक्सपोर्ट्स थे 2015-16 में। जो हम डिफेंस का सामान बाहर लोगों को और कंट्रीज को बेचते थे वो 2059 करोड़ का था। देन 2019 का डेटा आपके सामने रखता हूँ, हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट्स यहाँ पर थे 9115 करोड़ के। तो यहाँ हमारे डिफेंस के जो एक्सपोर्ट्स थे ये बढ़ चुके थे। दोस्तों अब आप देखिए कि 2015-16 में 2000 करोड़ हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट था और 2019-20 में ये बढ़कर हो गया 9115 करोड़ का। जी, तो ऑलमोस्ट 4 गुना से ज़्यादा हमने राइज करा यहाँ पे। अब मैं आपको नंबर जो बताने जा रहा हूँ वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का है, जो दो अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा गया 2021 से 2022 का। अगर इसके आपको नंबर बताऊंगा तो यू विल बी शॉक्ड। और यहाँ पे था 13,000 करोड़ का। जी, 13,000 करोड़ का हमने डिफेंस इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजीज हमने बाहर एक्सपोर्ट करी हैं। आप मेरी बात मत मानिए, आप गूगल करके देखिए कि क्या मैं जो नंबर बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं। 13,000 करोड़ का आपको बहुत आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे न्यूज़ आपको उसके ऊपर मिलेंगी कि इंडिया ने 13,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट दिया है दुनिया को। तो आप ये चीज़ देखिए कि हम 15-16 में 2000 करोड़ पे थे एक्सपोर्ट में, 2015 की बात कर रहा हूँ, 7 साल बाद, 6-7 साल बाद हम 13,000 करोड़ पे आ गए हैं। तो हमने करीब करीब 6 साढ़े 6 गुना अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है। तो अब आप एक चीज़ सोचिए, हम कितना ज़बरदस्त ग्रो कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर। तो इसको लाइटली मत लीजिए गाइस, बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। तो गाइस, अब जब मैं बात कर रहा हूँ 2018 की डिफेंस पॉलिसी की, तो उसके ही कुछ स्टेप्स मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या हमने करा है। हम सब जानते हैं 2020 में जो कोविड का जो इशू आया था उसकी वजह से काफ़ी सेक्टर्स पर इसका असर पड़ा है और डिफेंस सेक्टर पर भी इसका असर पड़ा था। बट हमें यहाँ ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि ये जो पॉलिसी है इसके अंदर जो प्लान और जो एक फ्यूचर प्रोजेक्शंस ड्रॉ की गई थी उसके ऊपर काम अभी भी चल रहा है। तो देखिए, अब एक्सपोर्ट अगर हमें बढ़ाने हैं और सेल्फ रिलायंट होना है, आत्मनिर्भर होना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है हमारा खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ, आपने रशिया और यूक्रेन की वॉर तो गाइस अभी सबने देखी है कि जो स्टार्ट हुई है उसके अंदर यूक्रेन के पास वेपन्स ही नहीं है। यूक्रेन अपने खुद के वेपन्स ही नहीं है, वो दुनिया से वेपन्स मांग रहा है, यूएस से मांग रहा है, किसी से मांग रहा है, किसी ना किसी से वो मांग रहा है कि मुझे वेपन्स दो ताकि मैं रशिया से लड़ सकूं। ये जो है एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है दुनिया में सबके लिए। अगर ऐसा होता है कि हमारे पास खुद के वेपन्स नहीं है, अपने आर्म्स एम्यूनेशन, अपना आर्टिलरी सिस्टम नहीं है, तो हम लड़ नहीं सकते। इंडिया के लिए ये भी एक आई ओपनर था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं, कुछ वॉर से पहले ले लिए थे और कुछ अभी वॉर के होने के बाद लिए हैं। वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप सुनिए कितना अच्छा एक डिफेंस सेक्टर के लिए बूस्ट है। सबसे पहले अगस्त 2020 के अंदर जो 101 वेपन्स हम इम्पोर्ट करते थे, ठीक है, हम बहुत सारे हजारों में करते थे, लेकिन 101 वेपन्स पर इंडिया की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। जी हाँ, इम्पोर्ट बैन लगा दिया है कि हम ये वेपन्स अब दुनिया से इम्पोर्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम वेपन इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम वेपन्स मैन्युफैक्चर करेंगे, इन हाउस मैन्युफैक्चर करेंगे। जी हाँ, 101 वेपन्स का मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में ही होने लग जाएगा तो हम कुछ ना कुछ अपना जो पैसा बाहर देते थे वेपन्स खरीदने के लिए, हमें वो टेंशन खत्म। देन अगस्त 2020 में ये हुआ था गाइस, मई 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, मई 2021 में हमने 108 वेपन्स बैन करे। 101 हमने करे थे अगस्त में 2020 में, मई 2021 में हमने 108 वेपन्स बैन कर दिए, 108 वेपन बैन कर दिए। और 101 पहले, 108 बाद में, तो 209 वेपन्स हमने यहाँ तक बैन कर दिए हैं जिनका हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उसके बाद दिसंबर 2021 में, लास्ट दिसंबर 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2,500 आइटम्स की लिस्ट निकाली है। जी, 2,500 आइटम्स की लिस्ट निकाली है जो इंडिजेनियसली हमारे ही देश में बनेंगे। हमारे देश के अंदर 2,500 वेपन्स की एक लिस्ट तैयार हुई है जो हम इन हाउस बनाएंगे। हम किसी से लेंगे नहीं, हम किसी को बाहर अपने फॉरेन रिजर्व से पैसा नहीं देंगे, हम कहीं से कुछ किसी को नहीं देना है, हमें ये वेपन्स इन हाउस बनाने हैं। और उनकी लिस्ट डिफेंस मिनिस्ट्री ने निकाली है और उसके ऊपर प्रॉपर प्रोग्रेसिवली काम स्टार्ट भी हो चुका है।
तो गाइज आप देखिए, 209 वेपन्स को हमने बैन करा और 2500 वेपन्स की ऐसी लिस्ट हमने तैयार करी जो हम घर में बनाएंगे। तो अब आप सोचिए हम आत्मनिर्भर कैसे नहीं बनेंगे, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी था। और अभी क्या कहते हैं, 2024 दिसंबर तक का टारगेट है कि 351 और इक्विपमेंट ऐसे होंगे जो इन हाउस बनने शुरू हो जाएंगे। तो 2024 तक हम 351 वेपन्स और ऐसे होंगे, इक्विपमेंट्स ऐसे होंगे, जब छोटे पार्ट्स होंगे जो सिस्टम्स में लगते होंगे वो हम और बनाना स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसको सीरियसली ले रही है और हमें ये चीज़ समझ आ गई है कि भाई दूसरे पे निर्भर नहीं रहना है, आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम भी हम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। अब उसके बाद मैं बताता हूँ कि हिंदुस्तान अभी करेंटली एक्सपोर्ट की सिचुएशन में और क्या करता है। हिंदुस्तान 30 कंट्रीज़ को अभी भी चीज़ें प्रोवाइड करता है। उसमें क्या क्या देता है, एक्सपोर्ट करता है, एम्यूनेशंस, वेपन्स, स्पेयर्स, यानी जो भी पुर्जे होते हैं वेपन्स के, जो रिप्लेसेबल होते हैं जिनको ठीक ठाक करके लगाया जा सकता है वो। थर्ड इज़ केमिकल एंड एक्सप्लोजिव्स। जी हाँ, केमिकल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, केमिकल एंड एक्सप्लोजिव्स हम करते हैं। फोर्थ है पैराशूट, जो पैराशूट एयरफोर्स को चाहिए होते हैं, आर्मी को चाहिए होते हैं, हम वो भी उनको प्रोवाइड करते हैं। तो पैराशूट भी हम 30 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं गाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेदर एंड क्लोथिंग आइटम्स। जी हाँ, लेदर एंड क्लोथिंग आइटम्स, और साथ ही साथ कुछ जूते भी जो होते हैं जो हम बाहर क्या कहते हैं, आर्मी और नेवी और इन सब के भेजते हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो कहीं ना कहीं हम इसके ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं। तो ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं, इसको हमें और बेहतर करना है। साल 2020 के मई में एक और बड़ा कदम लिया गया था डिफेंस को प्रमोट करने के लिए, वो था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई थी। जी हाँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई थी। और 49% से 74% करने का आज मैं आपको रिजल्ट समझाता हूँ क्या हुआ है। जब से FDI की लिमिट बढ़ी है तब से 494 करोड़ रुपीज़ हमारे कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है डिफेंस सेक्टर के अंदर। अब आप सोचिए, अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स कर रहे हैं, बाहर की बड़े बड़े फंड हाउस कर रहे हैं, बाहर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं, तो हम क्यों इसमें इन्वेस्ट ना करें। ये एक सजेशन है मेरा कि अगर ऐसा हो रहा है तो एक एक सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर हिंदुस्तानियों को बहुत भरोसा होना चाहिए। ठीक है, 49% से 74% करने पर 494 करोड़ रुपए हमारे पास इन्वेस्टमेंट आई है बाहर से। और एक चीज़ आप सोचिए, 2014-15 के अंदर ये फॉरेन डायरेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट थी ये सिर्फ 56 लाख रुपए थी। जी, 56 लाख रुपए, 494 करोड़ रुपए आपके पास मई 2022 में तक का डेटा है। ये मई 2022 तक का डेटा है कि मई 2022 तक आपके पास 494 करोड़ रुपए आए हैं 2-2.5 साल के अंदर, और उससे पहले सिर्फ 56 लाख रुपए हमारे पास आए थे। अब आप सोचिए हमने क्या अपना डिफेंस को कितना हमने रोका हुआ था। और एक चीज़ और, डिफेंस सेक्टर जो है गाइस, सबसे ज़्यादा अगर किसी की इसमें होल्डिंग है तो गवर्नमेंट की होल्डिंग है। हमारे देश में सबसे बड़ा हिस्सा अगर डिफेंस सेक्टर का कोई ओन करता है तो गवर्नमेंट ओन करती है हमारी। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट यहाँ पे पूरी बैकिंग, क्योंकि देखिए बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटेलिजेंस और ये सब, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ बहुत बड़ा हिस्सा अपना होल्ड करती है। तो दोस्तों मैं एक्सपोर्ट लिस्ट आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से बड़े ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं। हमारे पास फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइल का एक ऑर्डर आया है। ब्रह्मोस जो एक इन हाउस मिसाइल हमने प्रिपेयर करी है, हमारे साइंटिस्ट ने दिन रात मेहनत करके बनाई है, उसका 3000 करोड़ का हमारे पास ऑर्डर आया है फिलीपींस से। तो अब आप सोचिए कि अगर ऐसे ही ऑर्डर हमें आने लग जाएंगे तो हमारा जो $5 बिलियन का टारगेट है 2025 तक, हम उसके करीब पहुंचते जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फुलफ़िल हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, बट अगर ऐसा हो जाए कि ऐसे ही और बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें 8-10 मिल जाएँ तो डेफिनेटली हो सकता है हम बहुत पास पहुँच सकते हैं। उसके बाद 18 तेजस जेट जो है वो हमने मलेशिया से बात करी है और मलेशिया उसको चाहता है लेना, और मलेशिया के साथ बहुत जल्दी डील साइन होने वाली है। उसके अलावा बहुत कंट्रीज़ तेजस जेट को लेना चाहती हैं। उसमें कुछ कंट्रीज़ का मैं नाम बताता हूँ, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, USA, इंडोनेशिया, ये कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं जो तेजस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अपना शो कर रही हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर ये डील साइन भी हो जाएं। तो देखा आपने डिफेंस सेक्टर कैसे हमारा इतना मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बट गाइस देखिए, यहाँ पे हमने प्रोज की बात कर ली, तो एक कौन जो लगता है मैं आपको वो बता देता हूँ बहुत ऑनेस्टली, वो ये है कि गाइस हमने इनको ये देखा है कि हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन ये ऑर्डर्स जो होते हैं इनकी फुलफ़िलमेंट जो होती है उसमें टाइम लगता है। ऑर्डर्स बहुत जल्दी फुलफ़िल नहीं होते,
क्योंकि ये बहुत बड़े ऑर्डर्स होते हैं। अब तेजस जेट अगर आपको बनाना है तो आपको उसमें सालों लगेंगे, उसमें आपको वेट करना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है। ये बहुत फास्ट मूविंग साइकिल इनकी नहीं होती है, इनके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है तभी इनका हम फ़ायदा देखते हैं। अभी जैसे हमने एक इंडिजेनियस एयरक्राफ्ट, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अपना जो लॉन्च करा है, हमने देखा कि उसको बनाने में 2012 से आई थिंक वो स्टार्ट हुआ था, डोंट कोट मी ऑन दिस, मुझे कंफर्म नहीं है, आई थिंक जितना मैंने पढ़ा है मुझे लग रहा है 2012 मैंने पढ़ा है, 2012 से अगर वो स्टार्ट हुआ है तो, और अब कमीशन हुआ है तो 10 साल अगर उसको लग गए बनने में, तो सोचिए कितना वक्त लगता है इन सब चीज़ों को बनने में। तो ये एक थोड़ा सा इशू है कि इसमें टाइम की लिमिटेशन का थोड़ा रहता है, कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, अदरवाइज़ इसके अंदर ग्रोथ का बहुत बड़ा स्कोप है। तो डिफेंस स्टॉक्स की लिस्ट पर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला है भारत डायनामिक्स। जी हाँ, भारत डायनामिक्स कंपनी है, और इसका काम क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसकी स्पेशलाइजेशन है एम्यूनेशन एंड मिसाइल सिस्टम में, जी हाँ, एम्यूनेशन एंड मिसाइल सिस्टम पे इसकी स्पेशलाइजेशन है। सेकेंड इज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की है एवियोनिक्स एंड रेडार, ये नेवी के रेडार्स वगैरह बनाने का बहुत अच्छा काम है इनका, तो आप इसको भी पढ़ें, इसके बारे में समझें, देखें, रिसर्च करें। अगला है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ठीक है, तो शिप बिल्डिंग की बहुत कंपनीज इंडिया में हैं, और मैंने सुना है अभी कि यूएस के भी कुछ जो शिप्स हैं उनकी रिपेयर वर्क का काम इंडिया की कुछ शिप कंपनीज़ को मिल रहा है, मिलने जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। तो मैं शिप बिल्डिंग कंपनीज़ का लाइन से नाम ले लेता हूँ, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, गोवा शिप यार्ड, मजगांव डॉक लिमिटेड, उसके बाद है कोचिन शिप यार्ड, ये तीन चार कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं इस सेक्टर के अंदर, और आप देख सकते हैं कि ये कैसा काम कर रही हैं, आप इनके बारे में पढ़ें, रिसर्च करें। देन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो जेट्स बनाती है, तेजस हो गया, और ये क्या कहते हैं, लाइट हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी बनाते हैं, आप इनके बारे में भी पढ़ें। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। देन है डेटा पैटर्न्स, डेटा पैटर्न्स काम करती है डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस पे, जी हाँ, डिफेंस एंड एरोस्पेस की टेक्नोलॉजी पे लोग काम करते हैं, और इसके बारे में भी आप रिसर्च करें, पढ़ें और आगे देखें। तो गाइस, ये था मेरा एनालिसिस डिफेंस सेक्टर के ऊपर। मैं इसलिए बुलिश हूँ क्योंकि गवर्नमेंट इसको बहुत सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट इम्पोर्ट्स पर बैन लगा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहा है, और इन हाउस मैनुफैक्चरिंग के ऊपर काफ़ी इनका फोकस है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में पढ़ें, रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र इन्वेस्टमेंट प्लानर से बात करें, तभी डिसीजन लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है गिव इट अ थम्स अप, अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, और प्लीज़ शेयर इट विद योर लव्ड वंस एंड फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज हमारा मोटो बहुत सिंपल, बहुत क्लियर है, स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड प्रॉस्पर टुगेदर। आई विल मीट यू इन सम अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। Thank you.